close till I get up. Time is barely on our side. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से एक कैरी बैग की सहायता से सुंदर हैंड पर्स बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैंड पर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक कैरी बैग चाहिए। नॉर्मल आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको इस तरह से एक कैरी बैग मिल ही जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी जो स्ट्रिप है जिसे हाथ से पकड़ते हैं उसको मैं सुई की सहायता से निकाल लूंगी। इसकी स्ट्रिप को आपको फेंकना नहीं है, ये आगे यूज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लंबा वाला साइड है इस लंबे वाले साइड से कैरी बैग को बीच से इस तरह से फोल्ड कर देना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा मेजरमेंट बता रही हूँ, ये देखिए 4 फिंगर और 8 फिंगर एंड 12 फिंगर, यानी मैंने 12 फिंगर के इक्वल इसको क्या किया है, कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं, आप जितना भी हैंडबैग की साइज चाहते हैं आप उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपकी जो कटिंग हो बिल्कुल स्ट्रेट हो, अगर ये स्ट्रेट रहेगी तो हैंडबैग ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैं स्ट्रेट कटिंग के चक्कर में थोड़ा सा इसको धीरे धीरे कट कर रही हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट कट हो। तो कोई बात नहीं, मुझे स्ट्रेट कटिंग चाहिए, ना कि मैं धीरे कट कर रही हूँ या फिर फास्ट कट कर रही हूँ, उससे कोई मतलब नहीं होता, बस कटिंग हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये स्ट्रेट कट हो चुका है। अभी इसको मैं बीच से फिर से कट करूंगी क्योंकि इसमें से मुझे 2 पर्स निकालने हैं। तो आप ये देखिए मैं यहाँ से इसको फिर से कट कर रही हूँ अगेन। आपको कटिंग करते समय बस यही ध्यान रखना है कि जो भी आप कटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट कट हो। और आप ये देख सकते हैं स्ट्रेट कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको एक पूरे हैंड से अच्छे से इसको पकड़ लिया है, इसके बाद यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये देखिए 2 पार्ट ये आराम से निकल गया। आपको इसी तरह से 2 पार्ट निकालने हैं इसके। आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी 2 साइड से सिला हुआ है, तो इसको मैं उल्टा करने के बाद तीसरी साइड से भी सिल लूंगी, ताकि जैसे पर्स में क्या होता है 3 तरफ से ये सिला होता है और ऊपर की तरफ ओपन रहता है, तो सेम हमें भी वैसा करना है कि 3 साइड से इसको क्या कर लेना है, अच्छे से सिल लेना है और ऊपर की तरफ ओपन छोड़ देना है। इस हैंड पर्स की जितनी भी सिलाई है मैं बिल्कुल आपको हाथों से ही करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर जिसके पास सिलाई मशीन नहीं है वो भी बना सकते हैं, जिनके पास हॉट ग्लू गन नहीं है वो भी बना सकते हैं। एटलीस्ट सिलना तो सभी को आता है, तो आराम से सिल के क्या कर सकते हैं, एक ब्यूटीफुल सा हैंड पर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी है और सिलाई स्टार्ट करने के साथ साथ ये ख़त्म भी होने को है। तो ये मेरा 3रा साइड यहाँ पर सिल के क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये 3 साइड से सिल चुका है, और सिलने के बाद ये जो ऊपर का खुला हुआ पोर्शन है, आप ये देखिए जिस तरह से पर्स में खुला हुआ होता है, इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ट्विस्ट करके यानी पीछे की तरफ मोड़ के इसको सिल लूँगी, ताकि जब मैं पर्स बनाऊँ तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगे देखने में। तो आप वीडियो में देख सकते हैं आपको इसी तरह से क्या करना है, फोल्ड करके अच्छे से सिल लेना है, और सिलाई भी ऐसी करनी है कि इसका जो टाँका होता है पीछे की साइड बहुत ही पतला दिखे, यानी अगर आप रेड कलर का थ्रेड लेते हैं तो ये पीछे की तरफ बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा। अभी मैं आपको लास्ट में करके दिखाती हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। बस आप कोशिश यही करिए कि पीछे की तरफ बिल्कुल थोड़ा सा निकालिए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन का ही यूज करके ये पर्स बनाइए, क्योंकि सिलाई मशीन से जो फिनिशिंग आती है बहुत ही अच्छी आती है, तो उसी का यूज करिए। आप ये देखिए यहाँ पे 3 साइड से क्या हो चुका है, ये अच्छी तरह से सिल चुका है। अब सिलने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह का अस्तर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का अस्तर ना हो तो आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इस तरह से एक कपड़े का पड़ा हुआ था, जो कपड़े के नीचे एक फोम आता है, किसी भी शर्ट वगैरह के कपड़े जो होते हैं उसके नीचे इस तरह का फोम आता है, तो मैंने यहाँ पे उसका यूज किया है। बट आप किसी कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं पर्स के दोनों साइड अस्तर को अच्छे से लगा लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अस्तर लगाने के लिए भी सुई का ही यूज किया है, तो आप भी सुई का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अस्तर लगाने से यही होता है कि जो पर्स का एक कड़ापन होता है वो बना रहता है और पर्स देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि अगर पर्स अगर ढीला ढीला रहता है तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आप वीडियो को देखते जाइए और मैं अस्तर लगाती जाऊंगी, और इसी तरह से ये अस्तर होगा वो तीनों तरफ लग के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो
आपने देखा, आपके देखते देखते ये तीनों तरफ से अस्तर लग चुका है। और अस्तर लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से पर्स को सीधा कर लेना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अस्तर लगाने के बाद आप देख ही सकते हैं कि पर्स की जो लूजनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो अगर आप अस्तर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तो आप भी लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर्स का ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है, आप ये देख सकते हैं, फिंगर की ही सहायता से मैं इसको सही कर रही हूँ। और ये सही करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपके पर्स को लकवा मार दिया, वो देखने में टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया दूसरा पोर्शन, और दूसरे पोर्शन पे भी मैं अस्तर को लगा लूँगी। आप ये देखिए, यहाँ पे मैं कुछ नाप जोक कर रही हूँ, और नाप जोक करने के बाद यहाँ पे कटिंग कर दे रही हूँ। कटिंग करने के बाद फिर क्या लग जाएगा, अस्तर लग जाएगा। इस पार्ट पे मैंने अस्तर और बैग दोनों को साथ में सिला है। तो आप अगर जल्दी चाहते हैं कि जल्दी सब कुछ आपका सिल के रेडी हो जाए, तो आप अस्तर और बैग दोनों को एक साथ अच्छे से फिक्स करके सिल दीजिएगा। दोनों की सिलाई भी एक साथ हो जाएगी और आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, काफी बच जाएगा, और आपके लिए इजी भी हो जाएगा। अगर आप कैरी बैग और अस्तर दोनों को साथ में सिलते हैं तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है कि आपका जो अस्तर हो इधर से उधर खिसके ना, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि पीछे का अस्तर बिल्कुल सही हो। और दोनों को साथ में ही करते क्या कर रही हूँ, मैं सिल रही हूँ। इवन बैग का जो ओपन वाला पोर्सन होता है, आप ये देख सकते हैं मैं अस्तर के साथ ही उसको क्या कर रही हूँ, सिल रही हूँ। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि कहीं टाका इसका पीछे की तरफ ज़्यादा ना हो जाए, जो देखने में गंदा लगे। बाकी ये अच्छे से सिल जाता है, आराम से सिल जाता है, आराम से आप मजे करते करते सिलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मजाक मजाक में ये वाला भी पोर्शन सिल के तैयार हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि जो फिंगर से मैं क्या कर रही हूँ, ये पोर्शन जो नुकीला वाला है उसको सही कर रही हूँ, और ये भी सही हो चुका है। तो इसको मैं हाथ से ही प्रेस कर रही हूँ। हाँ, प्रेस करने से एक बात याद आई कि आपको इस पे डायरेक्ट प्रेस नहीं चलाना है, क्योंकि इसका कपड़ा कैरी बैग का ऐसा होता है कि अगर आप प्रेस चलाएंगे तो तुरंत पकड़ लेता है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पोर्शन को बीच से इस तरह से क्या कर लेना है, अंदर की तरफ सिल लेना है। ये देखिए, जो दोनों पार्ट इसके आपस में मिलते हैं उसी पार्ट को मिला के अच्छे से सिल लेना है। आप वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सिलना है। पर्स के दोनों पार्ट सिलने से आपको ये फायदा होता है कि बीच में आपको पॉकेट जैसा स्पेस मिल जाता है कि आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं। आप किसी भी बैग में नॉर्मली भी देखते हैं बीच में एक पॉकेट रहता है, तो ये पॉकेट बनाने का एक जुगाड़ है कि दोनों पर्स को आपस में क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, बीच में आपका एक पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा, और वो भी अच्छा खासा स्पेस वाला। यहाँ पे दोनों पर्स आपस में अटैच होकर तैयार हो चुका है। तो आपको यहाँ पे एक बड़ा पोर्शन मिलेगा और बीच में एक पॉकेट पोर्शन मिलेगा, और एक तीसरा क्या होगा, बड़ा पोर्शन मिलेगा। तो आपको इस तरह से तीन बड़े बड़े पोर्शन मिल जाएंगे कुछ रखने के लिए। यहाँ पे ये हैंड पर्स बन के लगभग तैयार हो चुका है। तो अब इस हैंड पर्स को बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का कवर बना लिया है, जो एक तरफ से बड़ा और दूसरी तरफ से छोटा है। यहाँ पे जो कवर का बड़ा वाला पोर्शन है उसको मैं तिरछा कट कर लूंगी, ताकि ये थोड़ा सा स्टाइलिश लुक दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तिरछी कटिंग की है। तिरछी कटिंग करने के बाद मैं इस कवर को क्या करूंगी, इस बैग में अटैच कर दूंगी। और अटैच करने के लिए भी मैं क्या कर रही हूँ, सुई की ही सहायता ले रही हूँ, उसी से ही क्या करूंगी, इसको सिलूंगी। आप वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से सिलना है। ये देखिए, इस तरह से आपको क्या करना है, सिलना है। और कवर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बस पीछे की ही साइड सिलना है, और आगे वाला पोर्शन जो है, जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं तिरछा वाला, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। मैं यहाँ पे हैंडबैग को बंद करने के लिए जो ये कवर यूज कर रही हूँ, तो आप चाहे इस कवर को ना लगाइए, बट लगा लेते हैं तो थोड़ा सा आपका जो ये हैंडबैग होता है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने मार्केट से परचेज किया है, बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। बट अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप इतने पे ही क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और इस पर्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे जो कैरी बैग का स्ट्रिप कट की थी, और उसी स्ट्रिप कट से मैं इस पर्स का भी स्ट्रिप बना लूंगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिप को मैंने अटैच कर लिया है, और अटैच करने के बाद ये जो इसका आगे वाला पोर्शन था, यहाँ पे मैंने लेस को यूज किया है, और यहाँ पे जो मैं लेस लगा रही हूँ उसको भी मैंने जुगाड़ से ही हासिल किया है।
और वो जुगाड़ ये है कि अगर आपके घर में कोई पुरानी साड़ी है तो आप अक्सर देखते होंगे कि उस साड़ियों में क्या लगा होता है, लेस लगा होता है, तो आप उस लेस को निकाल लीजिए और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने वल्क्रम लगाया है, आप चाहे तो हुक वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। बाद यहाँ पे ये लटकन यूज किया है जो कि अक्सर ब्लाउज वगैरह या सूट वगैरह में यूज किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने लटकन का यूज कर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पर्स बन के तैयार हो चुका है, आप ये देख सकते हैं कि पर्स देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। बैग के अंदर मैंने थोड़ा बहुत पेपर वगैरह रख दिया है कि आप देख के समझ सके कि इसमें कितना ज्यादा स्पेस है और कितनी चीजें आ सकती है। आप ये देखिए ये जो पॉकेट वाला पार्ट हमने बनाया था वो भी काफी अच्छा खासा इसकी लेंथ है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैरी बैग से पर्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और इस तरह के और भी बेहतरीन आइडियाज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। प्रेस करने के बाद जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा और ये सब बिल्कुल फ्री है। बस ये होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज के साथ, तब तक के लिए बाय।